नमस्कार और स्वागत है आपका मान्या एजुकेशन में। आज के इस लेसन में हम लोग जानेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। स्टोरेज डिवाइसेस यानी वो डिवाइसेस जिसमें कंप्यूटर अपना डेटा स्थायी या अस्थायी रूप से सेव करके स्टोर करके रखता है। हमारा आज का ये जो लेसन है ये MPPSC 2020 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल है और जो यूनिट हम कवर कर रहे हैं वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इससे पहले कि हम लोग आज स्टोरेज डिवाइसेस का ये लेसन शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आज स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले जान लें कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं? स्टोरेज डिवाइस को डिजिटल स्टोरेज के नाम से या स्टोरेज मीडिया के नाम से या कंप्यूटर की मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले तो ये समझ लें, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस को किन किन अलग अलग नाम से जानेंगे? डिजिटल स्टोरेज बोल सकते हैं, स्टोरेज मीडिया बोल सकते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी कह सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी भी बोलते हैं इसको। यह करता क्या है? डाटा और इंफॉर्मेशन को डिजिटल रूप में सेव करके रखता है। कैसे? परमानेंटली भी सेव करता है और टेम्परेरली भी करता है, यानी स्थाई रूप से भी सेव करता है और अस्थाई रूप से भी सेव करता है। तो कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे हैं जिसमें डेटा स्थाई रूप से हमेशा के लिए सेव होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अस्थाई रूप से सेव होता है। अब हमेशा के लिए यानी स्थाई रूप से सेव होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें से कभी डेटा हटा नहीं सकते हैं, मतलब ये है कि डेटा अपने आप नहीं हटेगा, आप हटाएंगे तो हटेगा। और टेम्परेरली स्टोर होने का मतलब है कि डेटा अपने आप हटेगा, आपको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा मेमोरी का जिक्र जो हम लोगों ने अभी पिछले स्लाइड में किया उसके बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर जिस स्थान पर अपना डाटा स्टोर करता है वह मेमोरी कहलाता है, ठीक है। क्या चीज़ है ये मेमोरी? स्थान है। जिस स्थान पर अपना डेटा स्टोर करता है कंप्यूटर वह स्थान कहलाता है मेमोरी, ठीक है। तो कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होता है टेम्परेरी मेमोरी, एक होता है परमानेंट मेमोरी। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यह भी जिक्र किया था कि स्टोरेज डिवाइसेस में डेटा जो है वो अस्थाई रूप से या स्थाई रूप से सेव किया जा सकता है। तो टेम्परेरी मेमोरी जो होता है वो अस्थाई रूप से डेटा को स्टोर करता है, परमानेंट मेमोरी जो होता है वो डेटा को स्थाई यानी कि हमेशा के लिए जब तक आप डिलीट ना करें तब तक के लिए सेव करके रखता है। टेम्परेरी मेमोरी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है रैम। कंप्यूटर के अंदर जो रैम लगा होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो टेम्परेरी मेमोरी का सबसे सटीक उदाहरण है। इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, मेन मेमोरी भी कहा जाता है और वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। आप पूछेंगे यहाँ पर कि ये मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है? मेन शब्द से आपको आपके कान खड़े होंगे कि मेन क्यों है, तो बाकी सब मेन नहीं है क्या? मेन मेमोरी का मतलब ये होता है कि ये अगर नहीं लगा होगा आपके कंप्यूटर में तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है जो जिसको परमानेंट मेमोरी कहा जाता है, जैसे सपोज करिए हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, अगर आप अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क न लगाएं तो भी कंप्यूटर चलेगा, ठीक है। कभी ये जो सर्वर क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पे जो कंप्यूटर्स चलते हैं, तो जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं उनकी खुद की मेमोरी थोड़े होती है, वो तो सर्वर की मेमोरी का उपयोग करते हैं। तो मतलब खुद की परमानेंट मेमोरी नहीं होती, खुद का हार्ड डिस्क नहीं होता, वो सर्वर की परमानेंट मेमोरी का उपयोग करते हैं, लेकिन उसके अंदर रैम होना जरूरी है। मतलब ये है कि रैम जो है वो होना जरूरी है, इसीलिए उसको मेन मेमोरी कहा जा रहा है, ठीक है। और क्या क्या नाम पुकारा जाएगा उसको? प्राइमरी मेमोरी कहा जाएगा, वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाएगा, ठीक है, टेम्प्रेरी मेमोरी भी कहा जाएगा। तो टेम्प्रेरी मेमोरी के कौन कौन से नाम है ये जरूर याद रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी। इसमें क्या होता है? डेटा अस्थायी रूप से रहता है, यानी यदि कंप्यूटर बंद कर दिया जाए तो बंद करने से पहले का पूरा डेटा समाप्त हो जाता है। अब आप अगली बार कंप्यूटर चालू करेंगे तो पिछली बार जो डेटा इसके अंदर डाला गया था वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब टेम्परेरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रीड ओनली मेमोरी। यानी टेम्परेरी मेमोरी दो प्रकार के हैं, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रहा रैम का फोटो, और अभी रोम का हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में। रैम भी दो प्रकार के होते हैं, रैम एक होता है स्टैटिक रोम, स्टैटिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टैटिक रैम में डेटा तब तक अपने आप डिलीट नहीं होता जब तक आप कंप्यूटर को बंद नहीं कर देते, और डायनेमिक रैम में क्या होता है? डेटा अपने आप, जो फालतू का डेटा होता है वो अपने आप डिलीट होता जाता है और रैम की स्पेस जो है वो अपने आप खाली होती चलती है।
स्टैटिक रैम में डेटा अपने आप हटेगा नहीं, कब हटेगा जब आप कंप्यूटर बंद कर देंगे तो अपने आप हट जाएगा, लेकिन डायनेमिक रैम में आपको कंप्यूटर बंद करने की जरूरत नहीं, फालतू डेटा अपने आप ही डिलीट होता रहता है। दूसरा जो टेम्पररी मेमोरी है वो है रोम, है ना, जैसे मैंने अभी कहा था टेम्पररी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। तो रोम जो है यानी इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, इसमें प्री रिकॉर्डेड डेटा होता है, इसमें डेटा पहले से जब आपका कंप्यूटर बंद के आता है कंपनी से, ठीक है, तो उसमें कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जिसमें पहले से ही कोई ना कोई प्रोग्राम डाल दिया जाता है, प्री रिकॉर्डेड डेटा होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपने एमएस वर्ड चालू किया तो एमएस वर्ड से रिलेटेड डेटा जो है वो रोम में जाके स्टोर नहीं होगा, वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो रैम में जाके स्टोर होगा, ठीक है। तो रोम में प्री रिकॉर्डेड डेटा होता है, इस डेटा को साधारण रूप से नहीं बदला जा सकता है, साधारण रूप से मैंने कि ये स्पेशल तरीके से ही डेटा डिलीट होगा इसका। और ये कितने प्रकार का है, एक है प्रोग्रामेबल रोम जिसमें प्रोग्राम्स बदले जा सकते हैं, एक होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम यानी कि इसमें प्रोग्राम हटाए भी जा सकते हैं और नए प्रोग्राम भी डाले जा सकते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इलेक्ट्रिकली का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आने से इसके डेटा जो है वो बदले जा सकते हैं या समाप्त किए जा सकते हैं, और इरेजेबल भी है प्रोग्रामेबल भी है, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रोम, ई प्रोम और ईई प्रोम, ये हुए रोम के प्रकार। और रैम के प्रकार क्या थे, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अब आते हैं हम लोग परमानेंट मेमोरी की ओर। अभी तक हम लोग जान रहे थे टेम्पररी मेमोरी के बारे में, स्थाई मेमोरी के बारे में जाने हम लोग। स्थाई मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके न रहने से भी कंप्यूटर चल सकता है, ठीक है, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का जो मैंने आपको उदाहरण दिया था उसके अनुसार। इसमें डेटा स्थाई रूप से रहता है, स्थाई रूप से रहने का मतलब है कि जब तक आप खुद डिलीट नहीं करेंगे इसके अंदर से डिलीट नहीं होगा। यदि कंप्यूटर बंद कर दिया जाए तो भी डेटा समाप्त नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कंप्यूटर बंद कर दिया जाए तो भी डेटा इसमें से समाप्त नहीं होगा, डेटा इसके अंदर रहेगा। सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन से हैं इसके उदाहरण देख लेते हैं। एक है बड़ा उदाहरण, वो है हार्ड डिस्क, सबको पता होगा मेटालिक स्टोरेज होता है, क्योंकि ये जो इसकी डिस्क है ये मेटल की बनी होती है, कंप्यूटर के अंदर फिक्स रहता है, ठीक है, इसको फिक्स ही कर देते हैं, ऐसा नहीं कि आप बार बार निकाल रहे हैं डाल रहे हैं जैसे आप मॉनिटर को डालते हैं, ठीक है, सॉरी पेन ड्राइव को जिस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, कभी लगाया कभी निकाल लिया, कंप्यूटर चलते में ही निकाल लिया, ऐसा इसके साथ नहीं कर सकते हैं। ये इंटरनल डिवाइस के रूप में कंप्यूटर के अंदर ये फिक्स हो जाती है। और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है जिसे यूएसबी से अटैच किया जा सकता है, ठीक है। और भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस के। सीडी डीवीडी ये सब आप जानते होंगे, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और बीआरडी का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क। ये सब डिस्क जो है वो ऑप्टिकल स्टोरेज होते हैं, क्योंकि ये ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी से ये रीड और राइट किए जाते हैं इसके अंदर जो डेटा, ठीक है, इन्हें सीडी ड्राइव में लगाया जाता है। हालांकि आज की डेट में जैसे सन 2020 में हम लोग देखें तो इसका उपयोग काफ़ी कम हो चुका है, और अब ज़्यादातर जो है काम है वो पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, इन चीज़ों से होता है। सीडी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, इसकी कैपेसिटी होती है 700 MB। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका कैपेसिटी है 4.7 GB। ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी है 25 GB, काफ़ी बड़ा साइज हो गया ब्लू रे डिस्क का, है ना। जिस सीडी में डेटा राइट किया जा सकता है उसे सीडीआरडब्ल्यू कहा जाता है। तो इसमें से जो भी सीडी डीवीडी या बीआरडी जिसके अंदर डेटा आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं उसे कहा जाएगा सीडीआरडब्ल्यू, यानी आरडब्ल्यू यानी रीड राइट। डेटा राइट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है, सीडी में आप ऐसे ही डेटा राइट नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ेगी। हालांकि अब जो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए जैसे विंडोज 10 वगैरह आ गया, इसमें आप सीधा कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं सीडी में तो डेटा राइट हो जाता है, यानी कि अलग से आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, कुछ समय पहले तक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती थी। तो वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर थे जिनका उपयोग किया जाता था सीडी में राइट करने के लिए, जैसे नीरो हो गया, ये अल्कोहल 120% हो गया, और एक होता था सीडी बर्नर एक्सपी प्रो। ये बड़े पॉपुलर ऐसे सॉफ्टवेयर थे जिनका उपयोग किया जाता था सीडी में डेटा को राइट करने के लिए। ये पेन ड्राइव, इसे फ्लैश ड्राइव कह लीजिए, मेमोरी कार्ड कह लीजिए, ये जैसे मेमोरी कार्ड हो गया है ना, तो इनका उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है आज के ज़माने में यूएसबी के। तो यूएसबी देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये यूएसबी यहाँ पे लगाया जाता है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो पेन ड्राइव्स वगैरह जो हैं वो सब लगाए जाते हैं यूएसबी के थ्रू, कंप्यूटर से अटैच किए जाते हैं, और फिर इसमें आप डेटा डाल सकते हैं कंप्यूटर से, या फिर इसमें से डेटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से
जो है वो कंप्यूटर से जुड़ के और डेटा का आदान प्रदान कर सकता है। ये टेम्परेरी मेमोरी नहीं है, ये परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। अब जो पेन ड्राइव्स हैं उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने लग गई है आजकल, बहुत ज़्यादा ज़्यादा के आते हैं, 64 GB के आते हैं इस तरह से, मतलब काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी के पेन ड्राइव्स आजकल आते हैं। तो ये थे कुछ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस यानी कंप्यूटर जिसमें अपना डेटा स्थाई या अस्थाई रूप से सेव करके रखता है। मेरे ख्याल से इस लेसन में आपको ये स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको कोई डाउट हो या आप हमें कोई अपना फीडबैक देना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।